हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडु सर। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर विप्रोल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वीआईपी एडु सर। तो आपको पता ही है ये है मैथमेटिक्स की क्लास 10 और हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पिछले क्लास में मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व किया था। 4.2 के साथ सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था। तो आज लेकर क्या है आपके लिए हम लोग एक्सरसाइज 4A का सॉल्यूशन। इसमें वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा जिन क्वेश्चंस को आपने हमसे पूछा है, जिन क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम है, वैसे ही क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व हम करने जा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इससे पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं जिसमें मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व किया था, जाकर देख सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे आई बटन मिल जाएगा। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो ये है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लिया गया कहाँ से, आरएस अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 4A से। 4A में है क्या, तो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आइए इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 3x² - 2 4 3 = 0। सबसे पहली बात, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो होता क्या है क्वाड्रेटिक, ये होता है ax² + bx + c = 0। डिग्री क्या इसका होता है? डिग्री होता है इसका 2। तो आइए चेक करते हैं क्या ये इस फॉर्म में है या नहीं है। और कंडीशन क्या होता है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिए गए इक्वेशन में डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो गया। सेकेंड क्या था, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 3 है, मतलब ये 0 नहीं है, यानी कि एक कंडीशन भी हो गया। और नाउ थर्ड कंडीशन, ax² + bx + c = 0 इज स्टैंडर्ड फॉर्म, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखे 3x² + 0x - 2 4 3 = 0, तो ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है। यहाँ पे क्या है, बी जो है ये बी इसमें 0 है, तो बिल्कुल ये भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या होगा, इसके पास दो रूट्स होंगे, उन दोनों रूट्स को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो पहले इसे हम क्लियर कर लेते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिख रहा है, क्लियर विजुअल है कि 3 इसमें है और इसमें भी 3 हो, इसके क्योंकि 2 4 3 में भी हमें 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से करते हैं क्या, पहला काम हम लोग 3 को कॉमन लेते हैं, x कॉमन नहीं आ पाए क्योंकि x में नहीं है। यहाँ क्या मिलेगा, x² - यहाँ पे मिलेगा 81 = 0। जैसे ही ये 3 0 से डिवाइड होने को जाएगा और ये खुद 0 हो जाएगा, जैसे ही ये 3 जाएगा राइट हैंड साइड में 0 को डिवाइड करने के लिए, वो खुद भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो इससे लिख सकते हैं कैसे हम लोग, x² - 9² = 0। आपको क्या पता है कि a² - b² क्या होता है, a + b * a - b। तो उसी फॉर्मूला पे यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा a - b * a + b = 0। तो ये क्या मिल गया, ये दोनों मिल गया हमारा फैक्टर। कौन सा फैक्टर, तो इस इक्वेशन का ये फैक्टर मिल गया। आगे सॉल्व करेंगे क्या होगा, x - 9 = 0 या फिर x + 9 = 0। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x = 9 या फिर x = -9। तो हमारे पास हमें दो रूट्स मिल चुके हैं, वो कौन कौन से हैं, एक है +9 एक है -9। तो क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज +-9। ओके, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछे थे तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स आपके सामने है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, √3x² + 11x + 6√3 = 0। ये है RS/4A का क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद सीधा क्वेश्चन 22 आया था, उससे पहले उसके बीच में 7 से लेकर 22 के बीच में एक भी क्वेश्चन नहीं आए हमारे पास। आई होप वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व हो गए होंगे। वैसे काफ़ी इजी सिंपल क्वेश्चंस थे, उससे अच्छे से क्वेश्चन हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक में सॉल्व किया था। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे अब तक 3-4 क्लास आ चुके हैं। मैंने एक क्लास लिया था जिसमें बताया था बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 को मैंने पूरा सॉल्व किया था। तो ये है RS/4A
क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करते हैं। तो क्या है इसमें रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 रूट थ्री इक्वल टू जीरो। अगर किसी भी क्वेश्चन में मैं जो यहाँ बताता हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है मेरे बताने के बाद, तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं, हम आपको फिर से और अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे रूट थ्री है, इधर 6 रूट थ्री है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। जैसे ही हम लोग रूट थ्री और रूट थ्री का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दोनों का, हमें मिल जाएगा 3। पहले से यहाँ पे 6 है, ये 6, ये आ जाएगा 18। और इस 11 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए और ऐड स्प्लिट करने पे 11 आ जाए। तो आइए करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रेट दिख रहा है, अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 11 आ जाएगा। एक नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 9, दूसरा क्या हो जाएगा 2। 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 18। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 रूट 3 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते जाएंगे, इन दोनों में 3 कौन मिल जाएगा, कैसे मिले आपको पता ही है, यहाँ पे 9 है, 9 में क्या होता है, 9 में होता है कुछ ऐसा 3 इंटू 3, और एक 3 के अंदर क्या होता है, 2 रूट 3 होता है, ये भी आपको पता ही है। तो यहाँ से हम लोग रूट 3 एक्स को कॉमन निकालेंगे, जैसे ही कॉमन निकालेंगे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे यहाँ मिल जाएगा एक्स, यहाँ मिल जाएगा क्या, जब इसे हमने कॉमन निकाल लिया क्या बचेगा, 3 रूट 3। फिर इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 3√3 इक्वल टू 0। और इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि ये टर्म दोनों का दोनों क्या है, सेम है। तो सेम टर्म को अगर ये लोग ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे, एक्स प्लस 3√3। ओके, तो इधर क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा √3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3√3, ये 0 के बराबर होगा या फिर ये बराबर होगा, अगर ये होगा तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 1/√3। तो हमारे पास दोनों जीरोज आ गए, सॉरी जीरो नहीं, दोनों रूट्स आ गए, x इक्वल टू माइनस 3√3 एंड x इक्वल टू माइनस 1/√3। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। तो जितने भी क्वेश्चंस ये पूछे थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ अभी देख रहे हैं, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेते हैं हम लोग फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2। ये क्वेश्चन भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था, अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सब आप लोगों के पूछे हुए क्वेश्चन ही लिए हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख क्या रहा है, यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा है 3x स्क्वायर, इधर है 2। जैसे ही हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे क्या मिलेगा, मिलेगा 6। और इस जो मिडिल टर्म है माइनस 2√6, मिडिल टर्म क्या है, माइनस 2√6। इस 2√6 को स्प्लिट करना है दो पार्ट में, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, ऐड सबट्रैक्ट करने पे 2√6 आ जाए। तो कैसे करेंगे, अगर हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, √6 × √6 क्या हो जाएगा, 6 मिल जाएगा, ये काम तो हो जाएगा। और यहाँ मिलाना है माइनस 2√6, जब दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, +√6 प्लस 2√6 मिलेगा। कैसे, √6 में यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 1 1 2, √6 2√6। लेकिन चाहिए हमें क्या, हमें चाहिए माइनस में चाहिए, तो दोनों लगा देंगे एक माइनस का साइन। तो क्या मिल गया, ये मिल गया 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, इसमें से हम लोग √3 कॉमन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, √6 में से √3 तो कॉमन ले सकते हैं। √6 का मतलब क्या होता है, 2 × 3 कुछ ऐसा, इसमें से चाहे तो √3 निकाल सकते हैं आसानी से। और इसमें 3 के अंदर √3 होगा ही, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कैसे होता है। तो क्या करेंगे हम, इसमें से √3 निकालेंगे कॉमन, √3x तो साथ में आएगा ही, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, √3x, यहाँ क्या मिलेगा, जैसे √3 कॉमन निकालेंगे बच जाएगा √2। फिर इसमें से क्या कॉमन निकाले, इसमें से हम चाहे तो √2 कॉमन निकाल सकते हैं, √2 यहाँ से मिलेगा, इसमें तो √2 होगा ही,
तो यहाँ से अगर रूट टू कॉमन निकाले माइनस रूट टू यहाँ मिल जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे इसमें क्या दिख रहा है, ये टर्म कॉमन है तो ये आ जाएगा ब्रैकेट से बाहर, तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। इसे इग्नोर करिए, आगे सॉल्व करेंगे तो या तो हमें दो फैक्टर मिल गया, इन दोनों में से कोई एक ना एक जीरो होगा। अगर रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू जीरो होता है तो क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू रूट टू बाई रूट थ्री, और अगर ये जीरो होता है तो क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू रूट टू बाई रूट थ्री। इस तरह से हमारे पास दोनों के दोनों रूट यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कराए हैं, शायद एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन था या फिर कहाँ था याद नहीं मुझे, लेकिन मैंने सॉल्व कराए हैं ये क्वेश्चन, एक बार आप चेक कीजिएगा। वैसे मैंने यहाँ पर फिर सॉल्व कर लिया, आई होप आप लोग क्वेश्चन में आ गया होगा। लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आरएसएल वर्क बुक एक्सरसाइज 4A। इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो हम लोग करते आए वही तो करना है। पता नहीं क्यों बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नहीं करते क्या, इसमें कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम लोग करते आए हैं इन दोनों नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस का माइनस मिल जाएगा, रूट थ्री और रूट थ्री थ्री हो जाएगा, थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस सिक्स। और मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है टू रूट टू, इस टू रूट टू को स्प्लिट करके ऐसा ऐसा बनाना, पता ही कैसे बनते हैं, माइनस टू रूट टू को ऐसे दो भाग में स्प्लिट करना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ये क्या बन जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस सिक्स आ जाए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर इतना तो श्योर है कि हमारे पास रूट टू है और बनाना किसे, सिक्स बनाना है। अगर यहाँ ले लें हम लोग माइनस थ्री रूट टू और उसमें से हम लोग एक रूट टू निकाल लें, मतलब इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, थ्री रूट टू माइनस थ्री रूट टू प्लस रूट टू मिल जाएगा माइनस टू रूट टू, मल्टीप्लाई करके थ्री इंटू टू सिक्स मिल जाएगा, माइनस सिक्स मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दोनों नंबर्स आ चुके हैं। तो आइए आगे लिखते हैं हम लोग रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, थ्री रूट टू एक्स प्लस रूट टू एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या मिलेगा, रूट थ्री कॉमन निकालेंगे, रूट थ्री एक्स इसमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एक्स, यहाँ से मिलेगा रूट थ्री इंटू रूट टू रूट सिक्स प्लस यहाँ से कॉमन निकालते हैं हम रूट टू को, मिल जाएगा एक्स माइनस रूट सिक्स इक्वल टू जीरो। तो क्या दिख रहा है, इन दोनों में ये टर्म कॉमन है, इसे ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, मिल जाएगा एक्स माइनस रूट सिक्स, और इधर क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा रूट थ्री एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो के बराबर होगा तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा रूट थ्री एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू, एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू बाई रूट थ्री, और अगर इसे सॉल्व करेंगे लेंगे जीरो के बराबर तो क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट सिक्स। तो हमारे पास दोनों रूट्स आ चुके हैं, एक है माइनस रूट टू बाई रूट थ्री और दूसरा क्या है, ये रहा रूट सिक्स। तो ऐसे करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसे स्प्लिट किया गया, स्प्लिट ऐसे किए कि रूट थ्री टू रूट माइनस थ्री रूट टू और प्लस रूट टू करेंगे तो माइनस टू रूट टू मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे हमें माइनस सिक्स मिल जाएगा। आगे सॉल्व करते हुए कॉमन निकालें, हमारा दोनों रूट्स यहाँ पे हमें मिल चुका है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो आइए लेते हैं अपना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके स्क्रिप्ट पे क्लियरली विजुअल हो रहा होगा क्वेश्चन 29 एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस वन एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। पता नहीं लगता आप लोग क्वेश्चन को देख करके इसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं किए या फिर पता नहीं क्यों भेजें,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी सॉल्व करेंगे पजल जाएगा, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। आप लोग सिंपल सोच लेते हो ये क्या कि अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन नए टाइप का क्वेश्चन आ गया, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, रूट लगा हुआ या ब्रैकेट आ गया, तो फिर उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, बनाना ही नहीं है, उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती आप यहीं पे करते हैं। कैसे भी क्वेश्चन हो, जो आपने सीखा है उसी मेथड्स को अप्लाई करके उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। आप खुद देखेंगे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या फिर आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर सॉल्व हो जाता है तो भी अच्छी बात है, और नहीं होता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि दोनों केस में क्या होगा, आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा है जो हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ पे ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को यहाँ से हम लोग हटाएंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में एक्स कॉमन है, इन दोनों में क्या है, एक्स कॉमन है, तो एक्स को यहाँ से ब्रैकेट से निकालेंगे, फिर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा रूट थ्री। फिर इसमें क्या कॉमन है कि इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल पाएगा, तो निकालते हैं माइनस कॉमन, माइनस वन कॉमन, यहाँ से मिल जाएगा एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दोनों टर्म मेरा सेम है, तो उसे निकाल लेंगे हम लोग, ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे, फिर क्या बचेगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो या फिर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू वन, और यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू रूट थ्री। तो हमारे पास, हमें दोनों रूट्स यहाँ पे मिल गए, x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू रूट थ्री। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। इसमें तो हमें ये भी नहीं सोचना पड़ा कि इस नंबर को स्प्लिट करें और फिर मल्टीप्लाई करें, या फिर जो भी करते हैं हम लोग जनरल काम, वो भी यहाँ नहीं करना पड़ा। सारा काम क्वेश्चन में पहले से करके दिया हुआ था। तो ये है आपके स्क्रीन पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 एक्सरसाइज 4A का। तो इससे पहले जो मैंने कुछ सॉल्व किए थे, उसके बाद 36 तक जितने भी क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है और आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। और क्वेश्चन 33 भी मेरे पास आया था, मैंने उस क्वेश्चन को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि अभी जो मैंने कोई सॉल्व किया ब्रैकेट में लिखा हुआ था, सेम टू सेम, बस डेट चेंज है, वैसा ही क्वेश्चन क्वेश्चन 33 भी है। तो आप लोग उसे खुद से सॉल्व कीजिए, जैसे मैंने बताया वैसे ही सॉल्व करना है, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 36, आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं इसे सॉल्व। यहाँ पे क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट इक्वल टू जीरो। हमारे सामने फ्रैक्शन आ गया, तो देख के डरेंगे नहीं, छोड़ नहीं देंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। हमारे पास जो हम जो भी हम लोग पढ़े हैं, जो हमारे पास नॉलेज है, उसी नॉलेज का यूज करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग करते क्या है, पेन ले लिए हाथ में, क्वेश्चन देख रहे हैं लगातार, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, कैसे होगा कैसे होगा सोच रहे हैं, हटा छोड़ो सर से पूछ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप क्वेश्चन को देखिए समझिए, बिल्कुल दिखना है आपको, क्वेश्चन को देखिए समझिए, और फिर थोड़ा सा अपने पेन को भी थोड़ा सा आगे चलाइए, जैसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ आगे का नेक्स्ट स्टेप आपको नजर आने लगेगा कि इसके बाद ये ऐसा हो सकता है। ये कब होगा, जब आप अपने पेन को यूज करेंगे, सोचते रहेंगे, देखते अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, 1/8 है इसमें, एक्स स्क्वायर कैसे होगा, फ्रैक्शन आ गया, अब तो ऐसा पढ़े नहीं है, सर ने बताया भी नहीं है, तो कैसे होगा, छोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसे ही करना है। आइए देखते हैं हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें पता है जैसे ही दिखता है कि 1/2 लिखा हुआ है, प्लस 3/2 है, माइनस कुछ लिखा हुआ फ्रैक्शन में, क्या करते हैं पहला काम हम लोग, सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, यहाँ भी वही काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सभी का एलसीएम लेंगे, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 8 या 8 2 16, एक्स स्क्वायर माइनस 1 8, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। और जैसे ही ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, 8 जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए 0 के पास, ये खुद 0 हो जाएगा, 8 जाएगा 0 के पास मल्टीप्लाई होने के लिए, ये खुद 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 16x² माइनस 8x + 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन रेडी हो चुका है, बस इसे सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा किया, कुछ नया किया क्या, नहीं किया। हम फ्रैक्शन लिखा, फ्रैक्शन सॉल्व करने सभी को आता है ना, आज से करते आ रहे हैं फ्रैक्शन को सॉल्व, आज से कर रहे हैं फ्रैक्शन को सॉल्व, बहुत पहले से करते आ रहे हैं, क्लास 6 7 से करते आ रहे हैं, 2 3 4 इवन करते आ रहे होंगे हम लोग, बस तो वही तो यहाँ पे किए। जैसे ही कि आगे का स्टेप हमें खुद नजर आया, यहाँ पे इक्वेशन बन के रेडी हो चुका है। ये तो सॉल्व करना आपको सीखा है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, सॉल्व आसानी से हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 16x² - 8x+1 आना 16 है, 16 * 1 16, यहाँ पे -8 है, -8 करना, लिखेंगे -4x - 4x, इधर +1, इधर 16x² = 0, इसमें से 4x कॉमन आ जाएगा, मिलेगा क्या 4x - 1, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, क्या मिल जाएगा -1 = 0, इसमें क्या दिख रहा है, ये टर्म सेम है, तो क्या मिलेगा 4x - 1, इधर मिल जाएगा 4x - 1, फिर से दोनों सेम रूट मिलने वाला है हम लोगों के पास। जैसे ही सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो क्या मिलेगा, x 4x - 1 = 0, x = 1/4। इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इस वाले को तो भी सेम चीज मिलेगा, x = 1/4। इस तरह से हमारे सामने दोनों रूट्स फाइंड आउट हो चुके हैं, आपने खुद देखा कितने आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया। तो फ्रैक्शन आए, कुछ भी नया आए तो डरने की बात नहीं है, टैकल करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कैसे करेंगे, तो जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी का यूज करेंगे, जो भी मैंने सिखाया है उन सभी का यूज करते जाएंगे, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व होते जाएगा। तो लेते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन था, तो देख लेते हैं, जैसे भी किसी स्टूडेंट से मुझे पूछा था तो यही यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग को दिख ही रहा है किस तरह से कितने तेजी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे टाइम किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा है सॉल्व करने में। तो जल्दी जल्दी इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स है, वो प्रॉब्लम्स है, वो पूछ करके क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट साइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, क्या लिखा है इसमें, 10x - 1x। तो यहाँ पे चुपचाप एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, किसका, यहाँ पे 1 है तो 1 और x का एलसीएम क्या आएगा, 1 और x का एलसीएम आएगा x आएगा, तो करेंगे 1 * x, ये हो जाएगा 10x², ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, फिर क्या होगा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3x 10x² - 1 = 3x। इसे थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10x² - 3x - 1 = 0, ये मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अपने जनरल फॉर्म में। आगे सॉल्व करेंगे क्या होगा, लाना हमें 10 है, 10 * 1 क्या होता है -10, और यहाँ पे -3 है, तो -3 को इस तरह से स्प्लिट करना है, क्या मिल जाए हमें 10 मिल जाए, तो कैसे मिलेगा 5 * 2 कर लेंगे, -5 + 2 कर लेंगे, अगर -5 और +2 मिल जाएगा -3, लिखेंगे 10x² - 5x + 2x - 1 = 0, इन दोनों में से 5x कॉमन निकालेंगे, 2 - 1 सॉरी 2x 2x - 1, और इधर क्या मिल जाएगा +2x - 1 = 0, तो 5x + 1 2x - 1 = 0। आगे सॉल्व करेंगे, 5x + 1 0 के बराबर होगा तो x = मिलेगा -1/5, और अगर 2x - 1 0 के बराबर होगा तो क्या मिलेगा x = 1/2। तो इस तरह से हमारा ये दोनों जीरो जो था, सॉरी दोनों रूट जो था, इस तरह से हमारा दोनों रूट्स यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है, एक है -1/5, दूसरा है 1/2। तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना तेजी से, कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है, बस आप लोगों को करने की देरी है। जैसे ही आप लोग बैठ के सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, 1 घंटे बैठ जाएगा तो काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट एक्सरसाइज को फिर सॉल्व करेंगे। तो ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एक्सरसाइज 4A का, आर्य सरवाल बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है, क्वालिटी क्वेश्चन चैप्टर है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 39 है और ये आपके सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है।
इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा है नहीं, यहाँ पे नंबर्स की जगह पे ए लिखा हुआ है, तो शायद इससे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आइए देखते हैं कैसे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो जैसा हम लोग करते आए हैं वैसा ही यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे कुछ नया रूल्स निकल के नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे ही कराएंगे 2 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से, तो क्या मिलेगा, अरे माइनस ले लो, -2a² मिलेगा। और मिड टर्म क्या है, मिड टर्म है हमारे पास ए। इस ए को ऐसे स्प्लिट करना है कि क्या आ जाए, -2a² आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें ए मिल जाए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा सोचना है, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, -2a है स्क्वायर है। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ लिख दें 2a, और इस 2a में से एक a को माइनस कर लें। क्या लिख दें, 2a लिख दें, और 2a में से एक a को माइनस कर लें। क्या मिलेगा, 2 में से एक चला जाएगा, मिल जाएगा a, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 into a 2a² और माइनस। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है ए बी सी डी इस तरह के अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है ए बी सी डी इस तरह के कॉन्स्टेंट को देख करके, तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, -2a² और यहाँ पे ए है। तो करेंगे क्या हम लोग, मान लेते हैं ए क्या लिखा है, a1 है, 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए ए क्या है, 1 है। यहाँ पे लिख लेंगे 1, इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, जब हम लोग 2 में से 1 को माइनस करेंगे, जब हम लोग 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 1, 2 इंटू 1 2 इंटू माइनस 1 -2। ए क्या था, ए था मेरा 1 था। क्या किया हम लोगों ने, ए को 1 लेट कर लिए, और 1 को ऐसे डिवाइड किया 2 और -1, 2 into -1 -2, और 2 -1 1। तो ये हमारा करंट अफेयर फुलफिल हो गया। और हम लेट क्या किए थे, हम लोग लेट किए थे ए को 1 लिए थे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ वहाँ ए लिख देंगे, ए हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। यहाँ पे भी तो 1 तो होगा ही, पहले से यहाँ भी 1 होगा, ले लेंगे 2 है। इस तरह से अगर ये करने में आपको दिक्कत होती है, तो ये तो करना भी आसान है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर करने में दिक्कत होती है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 2x² + 2a - a - a² = 0। इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 1 मिनट, यहाँ पे x होगा, दोनों में क्या होगा, x होगा। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों में से 2x हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ मिलेगा x, यहाँ मिलेगा a, और फिर यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा -a, यहाँ मिलेगा x, और यहाँ मिलेगा +a = 0। ये दोनों टर्म सेम मिल रहा है, दोनों को निकालेंगे हम लोग ब्रैकेट से बाहर। जो कॉमन होता है वो कहाँ होता है, ब्रैकेट से बाहर होता है। ये आ जाएगा 2x - a = 0। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x + a = 0, या फिर 2x - b = 0। अगर x ये 0 होगा तो x = -a, अगर ये 0 होगा तो x = a/2। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों रूट्स को फाइंड आउट कर लिए। ये रहा हमारा रूट्स -a and a/2। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको बताया है। जो भी सिखाया है उसी को यूज करना है, और कुछ आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल, इन सब चीज़ों का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व होते जाएंगे। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। और अगर आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैंने जो पढ़ाया है आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर ही लीजिएगा। जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो वहाँ पे इस एक्सरसाइज बैच और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक्सरसाइज में अभी हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए, और फिर हम उसको सभी क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और यहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में।